कथा बहुत पुरानी है। ये उस जमाने की बात है जब राजा महाराजा का राज हुआ करता था। किसी गांव में एक महाराजा थे, बादशाह थे, जो कि बहुत ही अपने प्रजा से प्यार करते थे। उनकी 7 बेटियां थीं। उन्हें अपनी बेटियों से बहुत प्यार था। बचपन में ही बेटियों की माँ गुजर चुकी थी, इसलिए राजा थोड़ा प्यार दुलार बच्चों को ज़्यादा ही दे दिए थे। तो थोड़ी सी बेटियाँ कुछ अच्छी तो कुछ जिद्दी बन चुकी थीं। एक समय राजा ने अपनी 7 बेटियों से एक प्रश्न करने के लिए उन्हें अपनी सभा में बुलाया। दरबारियों ने जब उनकी बेटियों को सभा में आने के लिए कहा तो 2 बेटियों ने आनाकानी किया और बाकी 5 बेटियों ने आने से सहमति जताई कि वो अभी आ रहे हैं। लेकिन बाद में एक 6थी बेटी भी मान गई, लेकिन 7वीं बेटी आने से इनकार करना चाहिए। राजा ने पूरा खबर भेजी कि उसे आना ही होगा, ताकि वो एक कोई बहुत ज़रूरी प्रश्न करना चाहते हैं। इस पर छोटी बेटी ने कहा कि ठीक है, वो आ रही है। फिर उन्होंने 7 बेटियों को एक साथ दरबार में खड़ा किया और बारी बारी से एक प्रश्न किया। सबसे पहले उसने बड़ी बेटी से एक प्रश्न किया कि बेटी, तुम इस दुनिया में किस पे निर्भर करती हो और तुम्हें हम कितना प्यार करते हैं, ये मुझे बताओ। इस पर बड़ी बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे इसका पूरा विश्वास है, और मुझे आप दुनिया की सारी खुशी देंगे और मैं तो आप ही के अधीन हूँ, मेरा सब कुछ तो आप ही हैं, यदि आप नहीं हैं तो हमारा कुछ भी नहीं है, मैं इतना ही विश्वास करती हूँ। राजा अपनी तारीफ सुन के बहुत खुश हुए और उन्होंने बाकी की 6 बेटियों से भी पूछना चाहा बारी बारी से। बाकी की 5 बेटियाँ क्रमशः उसी तरह का जवाब देती गईं जैसे कि बड़ी बेटी ने कहा था कि पिताजी, मेरे आप सब कुछ हैं और आप ही के भरोसे हमारी ज़िंदगी है, आप ही से सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं, हम इतना विश्वास करते हैं और आप हमें इतना मानते हैं कि मेरा सारा भाग्य विधाता आप ही हैं। अपनी तारीफ सुन सुन के राजा बादशाह बहुत फूले नहीं समा रहे थे। उसके बाद से आती है बारी सबसे छोटी वाली की, जो कि राजा को थोड़ी सी जिद्दी प्रतीत होती थी। छोटी बेटी माँ के लास्ट में गुजरने की वजह से थोड़ी सी जिद्दी और नकचड़ी बन गई थी। के बाद भी राजा ने कहा कि बेटी, तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। इस बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप हैं तो ठीक है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हैं फिर भी सब कुछ भाग्य के भरोसे है, मैं तो अपने भाग्य पर भरोसा करती हूँ। कि जो पहले तो ये कि ये ऊपर वाला जो है वो हमारे भाग्य का रचयिता है और वो जो हमारे भाग्य में लिखा होता है वही होता है। आप तो ठीक है, माध्यम है, हमारे पिता हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपसे ही है, मैं तो ये विश्वास करती हूँ। इतना सुनने पे बादशाह थोड़ा दुखी हुआ कि लगता है कि उसे अपने पिता से प्यार नहीं है, और ये सोच के वो मन ही मन दुष्ट भी हुआ। फिर सबको उन्होंने अपने राजमहल जाने की इजाज़त दे दी और लास्ट में छोटी बेटी को वहीं रोक कर कहा सिपाहियों से कि तुम इस मेरी नालायक बेटी को ले जाओ और ले जाके इसको दूर कहीं जंगल में छोड़ाओ, क्योंकि मुझे ऐसी बेटी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जिससे अपने पिता से प्रेम नहीं है। लड़की ने बार बार दुहाई दिया कि पिताजी, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी बादशाह को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें अपने दरबारियों से उसे राजमहल से बाहर कर दिया और दूर घने जंगल में वो सिपाही गए और उसे छोड़ के वापस आ गए। उसके बाद से रात धीरे धीरे होती गई, धीरे धीरे रात होने लगी, लड़की वहाँ घने जंगल में अकेले रहने लगी और रात घड़ी जब होने लगी उसको थोड़ा सा डर सताने लगा। तो उसने सोचा कि मैं आसपास क्या करूं, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लूं और आग जलाने का इंतजाम करूं कि शायद आग से
रात में यदि जंगली जानवर कोई आते हैं, शेर, चीता, भालू, कोई भी, तो उनसे मैं अपना बचाव कर सकूं। और इस तरह से सुबह मैं कोई उपाय सोचूंगी कि आगे मुझे क्या करना है। इस तरह सोचते सोचते वो थके कदमों से थोड़ा थोड़ा चल रही थी कि आगे थोड़ी दूर जाने के बाद से उसने देखा कि कहीं एक बकरी के मिमियाने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लगा कि आसपास कोई एक बकरी है। उसने अपनी नज़र को बहुत गहराई से जब देखा तो बगल में एक उसको झोपड़ी भी दिखाई दी। उससे ऐसा लगा कि लगता है कि यहाँ कोई ना कोई तो जरूर रहता हुआ। फिर उसने धीरे से जाके उस झोपड़ी के दरवाजे का कुंडी हटाया, दरवाजे का खोला, तो देखा कि उसके अंदर एक खांसते हुई एक महिला बूढ़ी लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। उसने अंदर जाकर धीरे से देखा कि छोटी सी दीपकनुमा मध्यम रोशनी में एक बूढ़ी महिला लेटी हुई थी। उसने कहा कि बेटी, तुम इतनी रात गए इस घने जंगल में क्या कर रही हो? उसने कहा कि बूढ़ी माँ, आप भी तो यहाँ घने जंगल में हैं। तो उसने बताया कि मेरे पति बहुत साल पहले गुजर गए, मेरा कोई नहीं था एक बकरी के सिवा, तो मैं क्या करती हूँ कि अपना गुजारा करने के लिए इसी बकरी को पालती हूँ और मैं जंगल से जाके कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ, फिर उसके दूध बेच के या कुछ भी करके। तो लड़की को बहुत दुख हुआ उस बूढ़ी माँ की अकेली बेचारगी पे। उसने कहा कि माँ, मैं आपकी सेवा करूँगी और यहीं रहूँगी आपके पास, यदि मुझे आप रहने की इजाज़त दे दो तो। बुढ़िया ने आराम से हंसी खुशी उस लड़की को रहने की इजाज़त दे दी, क्योंकि अकेली वो भी थी, उसे भी किसी सहारे की जरूरत थी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उस बूढ़ी माता ने कहा कि बेटी, तुम थोड़ा घर संभालो, मेरी बकरी का भी ध्यान रखना, इसका दूध पी लेना, दूध इसका दूध लेना और पी लेना। ऐसे मैं अभी जल्दी ही जा रही हूँ और मार्केट से कुछ सामान लेके, हो सकता है मुझे लौटते लौटते 5 से 7 दिन गुजर जाएं, तब तक मैं वापस आ जाऊँगी, तुम अपना ख्याल रखना। बूढ़ी माँ के चले जाने के बाद से लड़की फिर से अकेली हो गई, लेकिन उसका एक सहारा बकरी था, इसलिए भगवान के सहारे अपने आप को छोड़ के उस बकरी का पालन करते हुए अपने दिन गुजारने लगे। दिन गुजारने की शुरुआत ऐसे की कि उसने दिन भर बकरी को चारा खिलाया, फिर बकरी का दूध शाम में दुई और दूध निकाली, और उसके बाद से उसने आधा दूध पिया और आधा दूध दरवाजे के बाहर रख के और अंदर सोने चली गई, ताकि कोई रात में यदि भूखा प्यासा कोई जानवर आता है तो ये उसके भला हो जाए और वो भूखा ना रहे, ये अपना दूध पी के और भूख शांत कर ले। इस तरह से वो दूध छोड़ के और सोने चली गई। सुबह जब उठती है तो देखती है कि दूध का कटोरा खाली था और वहाँ पे एक मड़ी रुमाल, लाल मड़ी उसके कटोरे के बर्तन के नीचे पड़ा हुआ था। उसने महसूस किया कि लगता है कि रात में यहाँ कोई सांप गुजरा है, क्योंकि सांप के पद चिन्हों यानी कि उसके शरीर के चिन्ह के निशान कुछ वहाँ मिले थे। उसने महसूस किया कि लगता है कि सांप ने अपनी मड़ी छोड़ के हमने है। उसने मन में विचार किया कि वो बचपन में एक कहानी में सुनी थी कि बचपन में उसने सुना था कि कोई एक सांप आता है और यदि किसी की भूख से यदि व्याकुल रहता है, उसका भूख कोई शांत करता है तो उससे खुश होकर मड़ी उसको प्रसन्नता में खुशी से दे देता है। तो उसने ऐसा महसूस किया कि शायद कोई सांप मुझसे प्रसन्न होकर और ये खुशी से मुझे एक मड़ी दे के गया है, लाल मड़ी, जो कि बहुत ही हीरे जवाहरात से भी कीमती होता है, ऐसा उसने महसूस किया था, अपने लोगों से सुना था बचपन में। तो अगले दिन भी क्या की उसने, फिर वही दिनचर्या अपनाई, दूसरे दिन बकरी की सेवा की, उसको खूब चारा वगैरह खिलाई और दूध आधा पी और दूसरा दूध उसने वहीं पर रख दिया, ये सोच के कि हो सकता है सांप आए या कोई और भी जानवर आए या पक्षी आए तो वो दूध पी के अपने भूख को शांत कर सके, और वो दूध रख के फिर सोने चली गई। दूसरे दिन उठती है तो फिर क्या देखती है कि फिर वैसी सेम बातें हो गई, और वो
जो दूध रखा था वो फिर से गायब था, यानी कि दूध खत्म हो चुका था और सांप के पद चिन्हों का उसके शरीर की बनावट का निशान वहां मिला। और ताजुब की बात यह है कि एक दूसरा लाल मणि भी वहीं पड़ा फिर से मिला। ये देख के उसकी आंखें तो फटी रह गई कि वाह, ये तो लगता है कि सचमुच कोई मेरा दूध कोई सांप पी रहा है और बदले में अपना खुशी से आशीर्वाद देके और मुझे लाल मणि छोड़े जा रहा है। राजकुमारी बहुत खुश होती जा रही थी, लेकिन अपना कर्तव्य भूलती नहीं जा रही थी। उसने खुशी खुशी हर दिन वो ये सोच के दूध रखती थी ताकि वो ठीक है, यदि सांप आता है और वो पीता है तो अच्छी बात है, वरना कोई भी जानवर या पशु पक्षी आके उस दूध को ग्रहण करे और आधा दूध वो स्वयं पी लेती थी। इस तरह से दिन गुजरते गए। फिर तीसरे दिन भी ऐसे ही उसने किया, फिर चौथे दिन भी ऐसे ही किया, पांचवें दिन भी किया, छठवें दिन, और इस तरह से 7 दिन गुजर जाने के बाद जब बूढ़ी माता शहर से तब तक वापस आ गई तो उसने बूढ़ी माता से अपने 7ों लाल मणियों को दिखाते हुए कहा कि देखिए माता जी, मैंने तो किसी के भला के लिए आधे दूध बाहर रख देती थी मैं, और आधे दूध को स्वयं भूख अपना मिटाने के लिए पी लेती थी, और इस तरह से मुझे 7 मणि मिला, 7 लाल मणि मिला। देखकर बूढ़ी माता को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये वाकई बहुत खुशी की बात है और कोई सांप आपसे बहुत प्रसन्न है, इस वजह से उसने ऐसा दिया। इस पर राजकुमारी ने कहा कि माता, मैं चाहती हूँ कि इसमें से कुछ मणि लेके आप शहर जाएं और शहर से बहुत सारा इसको बेच के पैसे लाएं, और साथ में एक कारीगर को भी ले आएं जो कि घर और महल बनाता हो, इससे हमारा घर भी झोपड़ी से महल बन जाएगा। इतना सुनना था कि बूढ़ी माता ने उस बच्ची की बातों का पालन किया और वो फिर शहर के चली गई, और शहर से जब चीज़ ले आई सारी चीज़ें तो बहुत सारे उसको पैसे मिले, और उस पैसे से उसने वहाँ कुटिया की जगह पे राजमहल खड़ा करवा दिया। इस तरह से देखते देखते वो राजकुमारी की चर्चा और बातें आगे फैलती गई, आग की तरफ फैलने लगी शहर में, जंगल से शहर की तरफ फैलने लगी। और फिर देखते देखते राजकुमारी ने अपने इसी तरह से अच्छे कर्मों से और सारा पैसा कमाया, और इस तरह से वो जंगल को ही वहाँ बस्ती बना दी, लोग वहाँ रहने लगे, राजकुमारी की चर्चा होने लगी, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, पहले शहर नहीं हुआ करते थे, पहले गांव ही हुआ करते थे, जो कि कस्बे और का नाम दिया जाता था उसको आज के समय में शहर कह सकते हैं। तो देखते देखते जंगल शहर की तरह बसने लगे और लोग बसने लगे, उसमें लोग रहने लगे, यहाँ तक कि और राजकुमारी के चर्चे बहुत ही दूर दूर तक फैलने लगे। एक दिन पता चला कि खबर फैलते फैलते राजा के दरबार में भी चला गया। कुछ दरबारियों ने राजा के सामने राजकुमारी की प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज, एक पास के गांव में एक ऐसी लड़की है, ऐसी राजकुमारी है जिसकी इतनी सच्चाई होती है, इतनी दानवीर है, इतनी अच्छी है कि लोग उसके यहाँ मिलने और जाना चाहने को तरसते रहते हैं। इस पर राजा को ताज्जुब हुआ कि कौन सा ऐसा गांव है, कि कौन सी ऐसी लड़की है, कौन सी राजकुमारी है जिसको वो नहीं जानते। फिर उन्होंने अपने सैनिक से संदेश भेजा कि जाओ और उस राजकुमारी से मेरी मीटिंग फिक्स कर दो, यानी कि मिलने का मेरा प्रस्ताव उन्हें भेजो। जब सिपाही राजा का संदेश लेके राजकुमारी के पास गए तो राजकुमारी ने पहले तो मिलने से इनकार करना चाहा, फिर बाद में सिपाहियों ने बहुत मिन्नत की तो उन्होंने एक ही शर्त पे उनसे मिलना स्वीकार किया, ताकि वो अपने राजा अपने बाकी के 6 बेटियों के साथ उनके राजमहल में आए। इतना सुनना था कि राजा तो थोड़े से चिंता में पड़ गए कि वो राजकुमारियों से क्यों मिलना चाहती है, उन्हें तो सिर्फ राजा मिलना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी की बातों को काट भी नहीं सकते थे। इसलिए राजा क्या किए कि अपनी 6 बेटियों को साथ में लेके और राजकुमारी से मिलने चल दिए। जाते जाते फिर क्या किए कि जब पहुंचे तो राजमहल में देखा उन्होंने कि बहुत ही सुंदर तरीके से राजमहल सजा हुआ था, उनके आवागमन यानी कि मेहमान नवाजी के लिए बहुत सारे नौकर चाकर
सब उनके खड़े थे, बहुत ही सुंदर से स्वागत हुआ महाराजा का। बादशाह बहुत खुश हो गए और उन्होंने जल्द से जल्द राजकुमारी से मिलने का उत्सुकता जताया। राजकुमारी आई फिर और अपने चेहरे को ढक के थोड़ा सा पर्दे में आई, और जिसे राजा नहीं पहचान पाए, और उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के राजा को पहले स्वागत किया और उसके बाद से उनसे अपने आने का हालचाल पूछा और कारण पूछा कि आप उनसे क्यों मिलना चाहते थे। राजा ने कहा कि मैं देखना चाहता था कि वो कौन ऐसी राजकुमारी है हमारे आसपास के गांव में जिसकी तारीफ इतना चारों तरफ चर्चा में है और उसे वही नहीं जानते हैं। आखिर ये सुंदर और अच्छी राजकुमारी कहाँ से आ गई। इस पर राजकुमारी ने कहा कि मैं भी इसी धरती की हूँ और भगवान की बनाई हुई एक छोटी सी जीव हूँ जैसे कि बाकी लोग जीव हैं। तो राजा ने कहा कि मैं आपसे सामने मिलना चाहता हूँ, आपके चेहरा ढका हुआ है इसलिए मैं अच्छे से आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। अपना प्लीज कृपया नाम अपना बताइए और अपना परिचय दीजिए, आप किस कुल की हैं, किस वंश की हैं और कौन से आपके माता पिता हैं। इस पर राजकुमारी ने थोड़ा सा समय मांगते हुए कि कुछ जरूरी काम से थोड़ा सा अंदर जा रही हूँ और 2 मिनट में वापस आ रही हूँ कह के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी वापस आई तो वो मैले कुचैले और फटे कपड़े में थी, जैसे कि राजा ने उन्हें जंगल भेजते समय वो कपड़ा उनका दिया था और उन्हें जंगल में छोड़ने के लिए कहा था, उसी कपड़े में वापस आ गई। इतना देखकर राजा को तो चौंक ही गए। राजा को याद आ गया अपनी छोटी और सातवीं बेटी। उन्होंने कहा कि अरे तुम तो मेरी वही सातवीं छोटी बेटी हो जिसे मैंने जंगल में अपने सिपाहियों के साथ छुड़वा दिया था, तो तुम क्या अभी तक जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तुम्हें पशु पक्षी जानवर मार के खा गए होंगे। तो बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने उस बात के लिए बहुत कष्ट है। यदि तुम्हें यहाँ की राजकुमारी ने कैद किया हो तो मैं उसे अपनी सारी धन दौलत देख के तुम्हें वापस लेना चाहता हूँ और तुम्हारे जितने भी कष्ट हुए हैं उन सब के लिए मुझे दिल से मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत रोया, अपनी गलती पर बहुत पछताया और बहुत ढूंढने की कोशिश किया लेकिन तुम मुझे कहीं जंगल में नहीं मिली। इस पर राजकुमारी ने कहा कि नहीं पिताजी, आप मेरे जन्मदाता हैं, आपको मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं क्यों आपको माफ़ करूँगी, आप तो बड़े हैं, हम बड़े लोग कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं, छोटों का काम है कि वो माफ़ी मांगे, बड़ों का काम है हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, अपना आशीर्वाद दें। ठीक है, जो गलती हुई, गलती तो इंसानों से ही होती है, लेकिन आज भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब के कर्मदाता ऊपर वाला ही है, वही हमारे कर्म लिखता है, वही हमारे भाग्य लिखता है और माँ बाप सब सिर्फ प्यार देते हैं और किस्मत तो ऊपर वाला ही लिखता है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिताजी मैं मुझे कोई किसी ने कैद में नहीं रखा है, मैं वही लड़की हूँ जिसे आपने अभी रानी स्वीकार यानी कि राजकुमारी स्वीकार किया है, मैं वही राजकुमारी हूँ। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी कहानी बताई कि जो जंगल में आई थी और जंगल में कैसे कैसे उन्होंने कैसे कैसे सामना किया, फिर उन्हें बूढ़ी माँ मिली और फिर कैसे कैसे बूढ़ी माँ के चलते उन्होंने बकरी मिले और फिर कैसे लाल हीरा मिला, लाल मोती मिला, मणि मिला और कैसे कैसे वो यहाँ से राजमहल बनाई और राजकुमारी बनी। सारी कहानी सुनने के बाद से राजा को अपनी बेटी पर बहुत गर्व भी हुआ कि ऐसी उन्होंने सुंदर सुशील और गुड़ी बेटी को जन्म दिया और अपनी गलतियों का पछतावा भी हुआ और उसे माफ़ी मांगते हुए फिर एक बार से उन्होंने कहा कि बेटी चलो और तुम्हारी बहन भी तुम्हें इंतज़ार कर रही हैं। उन बहनों ने भी सारे लोगों ने अपने आंसू भरे आँखों से बहन को ले जाना चाहा, परंतु उन्होंने राजकुमारी ने जाने से इनकार कर दिया और सबको क्षमा करके खुशी खुशी रहने लगी और पिता को विदा कर दिया। बच्चों कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई होगी तो थोड़ा सा एक लाइक करिएगा और यदि कमेंट में आपको कुछ भी कहना हो तो आप अपने कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आपको आगे आपको और भी कैसी कैसी कहानियाँ चाहिए। मैं आपकी पूरी कमेंट्स को पढ़ूंगी
और आपकी बताई हुई हर एक कहानी को सुनाने की कोशिश करूँगी। और यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सारी वीडियो से अच्छी चीज़ों से आप अवगत होते रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही, बस अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय, टेक केयर।